नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपके स्वागत है। जो आज के जो न्यूज निकाल के आ रहा है, ईटीएफ सेटल 1.37 लाख, ईटीएफ विड्रॉल क्लेम, फाइट कोविड 19 लेस देन 10 दिन के कम समय में भी ये सेटल करने की उनके तैयारी चल रहा है। अभी 1.37 लाख क्लेम जो क्रॉस हो गया उसमें पेमेंट है 279.65 करोड़। ये जो अभी न्यूज आया है, ये लेटेस्ट अभी न्यूज है। अभी 10 दिन के अंदर पूरे प्रोसेस होने वाला है, जो 72 आवर्स में कंप्लीट होने वाला है ये प्रोसेस, जो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएगा। जैसे विड्रॉल करोगे 72 आवर्स में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएगा। ये दूसरा न्यूज था। और जो तीसरा एक न्यूज है जो पोर्टल में अभी चेंज हुआ है, विड्रॉल करने में बहुत सारे दिक्कतें आ रहे हैं। क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या चेंज नहीं हुआ, मैंने एक एक चीज अभी बता रहा हूँ। आप लोग देखते जाइए वीडियो को, तो अभी आपके पता चलेगा। चलिए दोस्तों, पूरे हिस्ट्री अभी देखते हैं, क्या है, क्या चेंज हुआ है, क्या न्यूज आया है। यहाँ की तरफ से जो जो न्यूज आया है वो मैं एक एक चीज अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। दिखा के मैं अभी बताऊंगा भी जो पीएफ विड्रॉल के टाइम में जो दिक्कतें आ रहा है वो भी मैं अभी एक एक चीज बताऊंगा। जो अकाउंट नंबर जैसे डालते हो वहाँ पे पोर्टल चेंज हो चुका है, उसके बारे में भी अभी मैं बताने वाला हूँ एक एक चीज कैसे आपको करना है। ईपीएफ अकाउंट विड्रॉल प्रॉब्लम एंड सॉल्व, इस वाले वीडियो को आप देखते जाइए, कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं अभी एक एक चीज बता दे रहा हूँ। जो गुड न्यूज निकल के आ रहा है ईपीएफ की तरफ से, ईपीएफ सेटल 1.37 लाख, ईपीएफ विड्रॉल क्लेम्स टू फाइट कोविड 19 इन लेस देन 10 डेज, 10 दिन के अंदर 1.37 लाख ईपीएफ के विड्रॉल क्लेम सेटल किया है। अमाउंट कितना है 279.65 करोड़ के, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो इतने सारे क्लेम इन लोग सेटल कर चुका है, ठीक है। अगर जिनका जिनका रह गया आप कमेंट में बता सकते हो, कितने बंदे के रह गया। अगर आपके सेटल हो गया, पैसे आ भी गया, आप कमेंट करके बता सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो जो नया अभी प्रोसेस आया, 10 दिन के अंदर ये सारे कुछ कंप्लीट होने वाला है। आप देख सकते हो जो 72 घंटे के अंदर पैसे आने वाला है, ये 10 दिन का जो भी प्रॉब्लम है अभी ये 10 दिन के अंदर कंप्लीट होने वाला है। लोगों को कोई घबराने के कोई जरूरी नहीं है, पैसे आएगा लेकिन थोड़ा लेट आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं आ रहा हूँ जो नेक्स्ट ट्वीट आया था ईपीएफ की तरफ से। आप ये पूरे इस वाले लिस्ट को पूरे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये वाले लिस्ट को आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर बैठ के आपको पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट ट्वीट के तरफ जा रहा हूँ, और पीएफ विड्रॉल के लिए जो प्रॉब्लम है वो भी मैं अभी दिखाऊंगा। आ रहा है ये जो फॉर्म 13 आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड 19, ये जो पोर्टल आया था 28 मार्च को ये पोर्टल आया था, लेकिन 1 तारीख से 1 अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन पता नहीं अभी तक कितने बंदे को पैसे मिला या नहीं मिला ये पता ही नहीं है अभी। लेकिन इन लोग बता रहे हैं इतने बंदे को हमने पैसे दे दिया, लेकिन ये पहले भी ट्वीट कर चुका है इन लोग, 2 आवर्स में पैसे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है दोस्तों। ये था, अब ये देख सकते हो पूरे जो क्लेम का प्रोसेस इन लोग भेजा था ये यही है। अभी बोल रहे 10 दिन के अंदर सारे सेटल हो जाएगा। अब ये एक एक चीज आप देख सकते हो। आप कुछ लाइव न्यूज दिखा रहा हूँ, ये वाले न्यूज भी आप देख लीजिए पीएफ के बारे में। स्कीम ₹280 करोड़ हैव बीन विड्रॉन बाय 1.37 लाख एम्प्लॉइज फ्रॉम द ईएफओ फंड्स। द डिटेल्स आर ऑलरेडी देयर ऑन द पीआईबी वेबसाइट। उसका जो पीएफ विड्रॉल का जो प्रॉब्लम है, वो पीएफ विड्रॉल पहले ऐसे आता था जैसे आप ऑनलाइन सर्विस में जाते थे, उसके बाद क्लेम पे आप जब क्लिक करते थे उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन एक आता था, ऐसे वाले एक ऑप्शन आता था जो यहाँ पे 4 डिजिट लास्ट बैंक अकाउंट के 4 डिजिट डाल के वेरीफाई आपको करना था। लेकिन ये वाले पोर्टल अभी चेंज हो गया, लोग पुराने वीडियो देख के जो 4 डिजिट डाल के वेरीफाई कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहा है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, मैं पूरे प्रॉब्लम का एक एक चीज अभी बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। पहले आप अपना जब अकाउंट ओपन करते हो, उसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विस में जाने के बाद जब आप क्लेम करते हो, क्लेम करने के बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होता है आपके पास ऐसे एक ऑप्शन आता है, ठीक है। ये वाले ऑप्शन पहले जैसे नहीं है, जो यहाँ पे 4 डिजिट आप डाल दिए तब कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे बंदे के मेरे पास कमेंट आया जो ये नहीं हो रहा है, हम 4 डिजिट डाल के कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, लेकिन पहले अलग था अब चेंज हो गया। इसके बारे में भी आप एक एक चीज सुन लीजिए क्या करना है आपको। आपको पहले यहाँ पे क्या करना है, आपने पूरे अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे पहले जो आप देख रहे थे वहाँ पे अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा होता था ऑलरेडी,
वहाँ सबमिट होता था, आपको सिर्फ 4 डिजिट डालना होता था। लास्ट के 4 डिजिट अकाउंट नंबर के जो 4 डिजिट होता है वो नहीं ऑप्शन होता था, वो नहीं दिखता था, लेकिन ओनली 4 डिजिट आपको डालना होता था। लेकिन यहाँ प्रोसेस चेंज हो गया, जो पुराने वीडियो देख के आप लोग डाल रहे हो वो नहीं होगा। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके अकाउंट के पूरे डिजिट आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, SBI के अकाउंट नंबर अगर आपका है तो 9 डिजिट के अकाउंट नंबर पे नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, अगर स्टेट बैंक के अकाउंट है तो आपने स्टेट बैंक जाके आपने पूरे फुल डिजिट नंबर ले लीजिए, 16 डिजिट या 17 डिजिट का है, लेकिन SBI के 9 डिजिट देता है अकाउंट नंबर, आप उनको पूरे डिजिट अकाउंट नंबर ले लीजिए। अकाउंट नंबर पहले 4 या 5 डिजिट का कुछ होता है, SBI बैंक में जाके तभी जाके आप यहां से फिल करना। पहले उससे पहले आप KYC पूरा कर लेना, KYC पूरा करने का बाद जाके आप यहाँ पे विड्रॉल डालना, तभी जाके होगा, नहीं तो फिर कैंसिल आपके रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूरे आपके अकाउंट नंबर डालने का बाद आप जाके यहाँ पे वेरीफाई आप करना है आपको, तभी जाके आगे पेज बढ़ेगा। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। आप अपने अकाउंट ओपन कर लेते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद क्लेम सेटल में मैं क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जब 4 डिजिट यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे 4 डिजिट मैं डाल के दिखाता हूँ, ये 4 डिजिट अभी नहीं लेगा, पहले जैसे था ये 4 डिजिट। उसके बाद आपको वेरीफाई करना था, ये वेरीफाई आप जैसे करोगे ऐसे आएगा। आपके सिस्टम के हिसाब से अगर आपके पास अकाउंट नंबर सही डाले हो तभी जाके ये लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। जो इसमें अपडेट है, अगर अपडेट आपको देखना है तो मैनेज पे जाके आपको, यहाँ पे मैनेज पे जाके आपको KYC में जाके आपको देखना है जो आपके अकाउंट नंबर कौन सा है, जो अपडेट है वही वाले होगा, क्योंकि सिस्टम चेंज होते जा रहा है। ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ कैसे, जो सही अकाउंट नंबर डाल के फिर वेरीफाई करके दिखाता हूँ। आप देख लीजिए मैंने सही अकाउंट नंबर डाल दिया, अब अकाउंट में जो अकाउंट नंबर है मैंने वही वाले डाल दिया। उसके बाद देखिए मैं वेरीफाई कर देता हूँ, अभी ये वेरीफाई ले लेगा, मैं वेरीफाई में क्लिक कर दिया, देखिए ये ले लिया। ठीक है, आपको इसी तरीके से कर देख लीजिए, ये टिक भी दिखा रहा है, ग्रीन लाइट यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप गलत अकाउंट नंबर डाल देते तो ये नहीं होता, आप देख लीजिए ये ग्रीन लाइट आ गया। आपको पहले अपने अकाउंट नंबर KYC में अकाउंट नंबर आपको सही करना है, आपको विड्रॉल में क्लेम करना है, नहीं तो ये गलती नहीं करने से पहले आप एक बार अकाउंट नंबर जरूर चेक कर लें। ये था पूरा प्रोसेस, अगर आपके अकाउंट में पैसे आया या नहीं आया, विड्रॉल हुआ या नहीं हुआ, अगर आपके पास अकाउंट में पैसा है कमेंट में जरूर आप बताएगा, कोई प्रॉब्लम हो तब भी आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तभी आगे बंदे को पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है PF की अकाउंट में। दोस्तों इस जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।